बोले हैं नवीन पुरुषाली ने फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। बीजेपी अपनी हट धर्मिता और तानाशाही दिखा रही है, हिंदुओं की आस्था के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर और कहा कि आम आदमी पार्टी तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी और कहा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है, बोर्ड जल्द भंग करें नहीं तो आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। बोर्ड के अपने तुगलकी फरमान को वापस न लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हट धर्मिता और तानाशाही की प्रवृत्ति को दर्शा रही है। शायद सरकार ये चाहती है कि आंदोलन और उग्र हो जाए। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये महसूस करना चाहिए कि वो हिंदुओं की आस्था के साथ, परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर पंडा पुरोहित समाज और हक हकधारियों के साथ थी और रहेगी। आम आदमी पार्टी ने इस बोर्ड को भंग करने के लिए विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन किए हैं और जल्दी ही सरकार अगर नहीं जागी तो फिर से पूरा राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा और तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार विवश ना हो जाए इस तुगलकी फरमान को वापस लेने के लिए।